जेल का टिकट क्या कटा? जितने घंटे बीत रहे हैं उतने ही रहस्य सामने आते जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे बाबा की कार में अय्याशी के कौन कौन से सबूत मिले हैं और ये भी बताएंगे कि काली पन्नी चढ़ी इस कार में क्या गुल खिलाता था ये ढोंगी बाबा। आज सबको बस कोर्ट के उस फैसले का इंतजार है जो कि इसे सजा सुनाएगा। रोहतक की जेल में ही विशेष कोर्ट लगेगा और वहां इस ढोंगी को सजा सुनाई जाएगी। तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला बीच रास्ते में पर्दे के सहारे गाड़ी बदलने का तमाशा और सिरसा से लेकर पंचकुला तक सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, इन तमाम तस्वीरों के जरिए राम रहीम ने दुनिया में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। लेकिन गाड़ियों के इस विशाल काफिले के पीछे का घिनौना सच सामने आ ही गया। बलात्कारी बाबा की गाड़ी से अय्याशों की पूरी तैयारी सामने आई है। इतना ही नहीं, भागने का प्लान तक सामने आया है। इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कैसे एक बड़ी सी लग्जरी कार में कैसे ये बाबा औरतों के अंडरगार्मेंट्स और बहुत ही सारे मेडिसिन को लेकर जा रहा है, जैसे कि अय्याशी की पूरी तैयारी कर बैठा है। ये खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड बताने वाला ढोंगी का काला सच सबके सामने आ ही गया है। तो देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़, प्रिया की रिपोर्ट।